तो नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे ये 6283 आईसी वाला आडियो बोर्ड है जो सक्सेसफुल नहीं है। इसकी आईसी बार बार खराब हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे आप परेशान हो गए 6283 आईसी डाल के, और मतलब हर बार आपको आईसी डालनी पड़ती है किसी एम्पलीफायर में छोटे वाले, या फिर कार USB आते हैं उनमें भी लगाई जाती है, या घर में चलाने के लिए छोटे छोटे होम थिएटर आते हैं उनमें भी ये लगाते हैं, तो ये बार बार ख़राब होती है अगर 6283 आईसी। तो मैं आपको एक बोर्ड ऐसा बताऊंगा जो बार बार ख़राब नहीं होगा, इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये किट डली हुई है CRT TV की, जो हम चेंज करते हैं तो वो बच जाती हैं। तो ये कबाड़े में ना भर के आप इनका एक एक सामान यूज कर सकते हैं। मैं कभी इनको कबाड़े में नहीं भरता, और इसका मतलब एक एक सामान से पैसा कमा सकता हूँ, वो कमाता ही हूँ। जैसे कि आप ये सभी किटें देख सकते हैं, जैसे कि ये किट है, तो मैंने इसका सब सामान लगा दिया है निकाल निकाल के, क्योंकि अब नया सामान भी नहीं आ रहा है, तो नया सामान ढूंढने में दिक्कत होती है। तो हम इसका सामान निकाल के भी पैसा कमा सकते हैं, और ग्राहक का भी काम हो जाता है, और कम पैसे में ग्राहक को ये काम मतलब अपन TV सुधार के दे सकते हैं। तो ये तो वही कबाड़े की बात। और इसमें मतलब मैं जो ये बोर्ड बता रहा था 6283 आईसी वाला, उन्हें पन्नी में रख दिया, तो जैसे ये बार बार खराब होता है, और हमारे पास किटें पड़ी हैं बहुत। तो ये बोर्ड है यहाँ पे, इतना इतना सर्किट है, ऑडियो का बोर्ड है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं, और आपको हम ये कनेक्शन करके बताते हैं, चला के बताते हैं, ब्लूटूथ से या फिर डायरेक्ट मोबाइल से हम पिन लगा के चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट का यहाँ पे बोर्ड है, तो आपको हम ये इतना इतना काट लेते हैं कटर से, और चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये बोर्ड मतलब जो आडी सर्किट है यहाँ पे, ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 वायर मतलब ले लेना है इसको वोल्टेज इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रेड वायर और ब्लैक वायर लिया है। तो दोस्तों, ये है 5.5 इंची का स्पीकर 20 वाट में। तो यहाँ पे हम वायर जोड़ लेते हैं इसमें। ये वायर हमने जोड़ दी है, और अब हम ये वायर यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा काम है, ये ऑडियो के लिए आउटपुट के लिए मतलब पेन है, तो आप या तो इसमें जोड़ लें या इसमें, क्योंकि आईसी एक ही है, ये मोनो बोर्ड है, स्टीरियो बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम एक साउंड ही चला सकते हैं, या फिर हम इसी में 2 स्पीकर का कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये मोनो बोर्ड है, स्टीरियो नहीं है। तो ये वायर हमने जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे आपको हम ये भी बता देते हैं कि इसमें जो हमको प्लस देना है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सबसे नीचे का जो डायोड है, ये RDO IC पर इसका वोल्टेज जाता है। तो हम यहाँ पे एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर जोड़ देंगे। तो ये है जो मैंने ये प्लस जोड़ दिया है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे जो जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा मतलब जैसे आईसी खराब होती है तो थोड़ा मैनेज ये करंट कर लेता है, जैसे गर्म होती है आईसी, तो इससे थोड़ा आईसी को राहत मिल जाती है। और यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगा लेते हैं। और अब हम ये वायर 12 वोल्ट, हमारे पास ये बैटरी है, तो इसमें लगा देते हैं। ये रेड वायर हम जोड़ देते हैं रेड वायर में, ये प्लस है 12 वोल्ट,
और ए है माइनस, तो इसको थोड़ा और छील लेते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। और दोस्तों ये तो हो गया वायर का काम। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें इनपुट आरडीयू इनपुट कहाँ से करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सोल्डर आयरन ले लेना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कहीं भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको माइक से सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने माइक यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे हम सोल्डर आयरन रखेंगे, आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ पे ऐसी आवाज आए समझ लेना कि वहाँ पे आडियो इनपुट करना है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट ना करें। जैसे यहाँ पे आवाज कर रहा है तो यहाँ पे एक 104 नंबर का पीएफ लगा लें, और जो पीएफ का दूसरा तार बचा हुआ है उसमें हम आडियो इनपुट कराएंगे। और नहीं तो आप यहाँ पे लगा होगा पीएफ या पर रेजिस्टेंस लगा होगा उस तरफ, तो आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पीएफ लगाने की जरूरत नहीं है। और ये गया यहाँ आईसी पर, यहाँ पर तो आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ शायद कैपेसिटर लगा होगा, ये लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही ब्लूटूथ पैनल को। अगर ब्लूटूथ पैनल को चलाएंगे तो यहाँ लगाएंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत प्लस वोल्ट आउट कर दे तो मोबाइल खराब हो सकता है, इसलिए हमको पीएफ लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सब कुछ लगा है यहाँ तक, तो हम इसको कट करते हैं यहाँ से इतना, और फिर हम आपको इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे। हमने तो सिर्फ अभी इतना चेक किया है कि इसकी आईसी सही है और बोर्ड भी सही है, तभी हम इसमें मेहनत करेंगे, नहीं तो क्या फायदा होती, ये खराब निकलता। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री का काम है, आपका इसमें पैसा नहीं लगने वाला और लंबे समय तक ये आईसी चलती है, खराब नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं जब से किट बनी है तब से ये आईसी चेंज नहीं हुई है, तो ये अच्छे दिन मतलब लंबे समय तक चलती है। तो इससे हम एम्पलीफायर बनाएंगे छोटा सा, तो उसमें लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, और अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं इसका पूरा मतलब बॉडी समेत बताऊंगा बना के, और उसमें लगा के बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा ये काटने के बाद कि इसमें आवाज कैसी आती है। तो कटर हम ये ग्राइंडर कटर है, ये लगा लेते हैं और इतना इतना काट लेते हैं। और आप चाहें तो लोहा काटने वाली ब्लेड आती है जो, उससे भी काट सकते हैं, लेकिन उससे टाइम लगेगा थोड़ा, तो इससे काट लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये इतना बोर्ड काट लिया है, और किट को हम अलग कर देते हैं। ऐसे ऐसे में काफ़ी सामान अभी लगा हुआ है कि हम इसमें से निकाल के दूसरी किट में लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो मैं कोई भी सामान मेरा मतलब जो निकलता है पुराना कभी वेस्ट नहीं फेंकता, सबसे पैसे कमाता हूँ। तो अभी हम फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काटने के बाद कुछ इसका मतलब कट तो नहीं गया कोई प्रिंट या खराब हो गया हो। यहाँ पे हमने प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ दिया है, और यहाँ पे हम हाथ लगाएंगे मतलब ये सोलर आयरन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रिंट कट गए हैं। तो हम यहाँ पी एफ लगा के और स्पीकर चला सकते हैं, प्रिंट कट गया है जो।
मैं NIC पे गया था, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अच्छे से आ रही है। तो हम यहाँ पे PF लगा लेते हैं एक 104 नंबर का, तो वो भी हम ऐसे ही जुगाड़ करके निकाल के लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DTH रिसीवर की सप्लाई है, फ्री फ्री DTH रिसीवर की। तो यहाँ पे 104 नंबर का PF लगा होता है, ये निकाल लेते हैं। और जहाँ पे हमिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे हमिंग आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम ये जोड़ देते हैं PF। तो मैं थोड़ा इसमें पेस्ट लगा लूँ ताकि अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। तो ये लगा दिया हमने PF, और यहाँ पे हम इनपुट देंगे इस तार में, जो PF का दूसरा तार बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये ब्लूटूथ पैनल लगाने के लिए हमें चाहिए इसमें 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमें यहाँ से तो मिलेगा नहीं, ये तो 12 वोल्ट बनाएगी बैटरी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 7805 रेगुलेटर IC की, या ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम 12 वोल्ट देंगे और ये 5 वोल्ट निकाल लेगा। तो इसके कनेक्शन भी समझ लो, ये भी काम की चीज़ है। जैसे आप कोई भी सर्किट लगा रहे हैं 5 वोल्ट का है, तो आप 12 वोल्ट मतलब है आपके पास और 5 वोल्ट उसको बनाना है, तो ये रेगुलेटर लगाकर आप बना सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कौन सा पेन इन है और कौन सा आउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन है, जो इसमें हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और इस पिन से 5 वोल्ट आउट होगा, हमें इससे 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ये 2 वायर, रेड और ये ग्रे कलर का है। तो रेड वायर है जो हमें यहाँ जहाँ पे हमें 12 वोल्ट देना है उस पिन पर लगा देते हैं, और बीच वाला पिन पर हमें माइनस देना है। और अब हम यही वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं जहाँ पे हमें 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट करना है ऑडियो बोर्ड में। तो लाल वायर यहाँ पे लगा दिया मैंने, और ग्रे कलर का है, लेकिन मेरे पास काला वायर नहीं है अभी मौजूद, तो मैंने ये ग्रे कलर का लगा दिया है, आप कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम माइनस में ही लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये माइनस में लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो ये मल्टीमीटर है, बीच वाले पिन पर हम ये नेगेटिव पिन लगाएंगे मल्टीमीटर की, और यहाँ पे हम इस तरफ बताएंगे आपको कि यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि 12 वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है, और इस पिन पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आउटपुट हमें मिल रहा है। तो आप यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो आउटपुट में हम जो ये वायर है ऑरेंज कलर का, ये वायर हम आउटपुट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने वायर लगा दिया है, और जो बीच वाला पिन है यहाँ पे हम फिर से ग्रे कलर का वायर लगाएंगे, क्योंकि इसी से हमें माइनस लेना है, जिसमें हमने माइनस दिया है वहीं से हमको ये माइनस ले लेना है। ये मैंने माइनस के लिए लगा दिया वायर, और यहाँ पे हम आपको फिर से टेस्ट करके बता देंगे। तो ये माइनस है, और ये ऑरेंज कलर का है जो वायर वो प्लस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट DC 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसमें 5 वोल्ट इस तरीके से हम बना सकते हैं, और कोई भी 4 से लेकर 5 वोल्ट तक की चीज हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सब कुछ लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 5 वोल्ट, और ये है ग्राउंड,
माइनस कह सकते हैं हम इसको, ग्राउंड को। तो ये हम ग्राउंड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम ये ग्राउंड में लगा देते हैं वायर, और इस तरफ है जो प्लस है 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट का वायर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे ये ग्राउंड लगा है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट प्लस है, तो यहाँ पे हम ये 5 वोल्ट का प्लस लगा देते हैं, और आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। और अब हम दो वायर और लेंगे, या फिर एक वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड तो हमने दे दिया है, लेकिन हम दो ही वायर लगाएंगे यहाँ पे आउटपुट में और यहाँ के इनपुट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये FM के लिए एंटीना लिखा हुआ है ANT, और यहाँ पे राइट साइड के लिए आउटपुट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए आउटपुट, और यहाँ पे ग्राउंड। तो इसमें दोस्तों मतलब दो चैनल के लिए आउटपुट निकलता है, मतलब स्टीरियो के लिए, तो हमें एक ही आउटपुट लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टीरियो बोर्ड नहीं है, तो एक ही यहाँ पे हमको आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड का ले लिया है, आप चाहें तो इस तरफ भी लगा सकते हैं। और जो नीला वायर है ये हम ग्राउंड में लगा देते हैं बीच में। तो ये लगा दिया मैंने ग्राउंड में, और अब हम ये वायर हैं जो आउटपुट के, जो हमने इसमें से लगाए हुए हैं, तो नीला वायर हमने यहाँ ग्राउंड में लगाया है। तो आप भी या तो यहाँ लगा सकते हैं, या जहाँ भी ये प्रिंट गया है माइनस का, वो हम यहाँ लगा देते हैं। और ये जो वायर है अब हम ये इनपुट में लगा देते हैं, जो हमने PF लगाया था 104 नंबर का, तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया दोस्तों, और जैसे हम कोई डिब्बे में फिट करेंगे तो वो फिर तरीके से करेंगे, तो इसका ब्लूटूथ का आवाज आप सुन पाए होंगे, ब्लूटूथ का आवाज इसमें आ गया है। और अगर आप वॉल्यूम लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है 47 के टोन, तो यहाँ पे हमें इसमें 3 वायर जोड़नी पड़ेगी, तो ये वायर हम बीच में जोड़ लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ, एक तरफ का हमें छोड़ देना है। अगर ये स्टीरियो बोर्ड होता तो 6 वायर इसमें लगते, तो ये मैंने लगा लिया बीचों बीच। और अब हमें ये हटा देना है, और यहाँ पे ये बीच वाला जो पिन हमने जो बीच वाले पिन पे वायर लगाया है, ये हमें इसके PF पर जोड़ देना है। तो ये जोड़ दिया हमने, और एक और हम ये वायर लेते हैं और इस वाले पिन पर जोड़ देते हैं, जो ये माइनस में लगेगा ग्राउंड में, तो इससे आवाज डाउन होती है। तो यहाँ पे ये हम माइनस में लगा देते हैं, ग्राउंड भी कहते हैं इसको। और ये वायर है जो जो इसका आउटपुट वायर है हरा वाला, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड लगाया था आउट में, तो यहाँ पे ये लगाएंगे इस तरफ, जो बची हुई पिन थी उसमें हमने ये लगा दिया। और इससे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें म्यूजिक चलाएंगे, तो इसका ब्लूटूथ चालू है, और अब हम यहाँ मतलब इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आ गया
ब्लूटूथ नंबर BT-B9M, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों हम इसमें म्यूजिक प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसका म्यूजिक, इसका वॉल्यूम मतलब तेज करते हैं। साउंड तो हमने चला के देख लिया, आप कमेंट में बताएं इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी। अब हम इस पर 10 इंची का बॉक्स चला के देखेंगे। तो दोस्तों ये है 10 इंची स्पीकर वाला बॉक्स, यहाँ रख लेते हैं ये। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। ये वायर हमने निकाल लिए हैं, इसको साइड में करते हैं और इसके बाहर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, सोल्डरिंग भी कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने इसके बाहर स्पीकर के जोड़ दिए हैं और अब हम म्यूजिक प्ले करते हैं फिर से। दोस्तों तार इसके हमने जोड़ दिए हैं और अब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ये भी बताएं ना कि इस बॉक्स की आवाज आपको कैसी लगी। लेकिन मद्दा बज रहा था, लेकिन बेस अच्छा था इसमें और इसमें बड़ी आईसी लगे तो ये बहुत अच्छा बजता है। तो जितनी इसमें दम थी उतना उसने इसको बजाया। तो आप हमें बताएं कमेंट में कि आपको दोनों मतलब ये बॉक्स और स्पीकर की आवाज कैसी लगी और ये बोर्ड जो बनाया है मतलब हमने काटा है उसमें से किट में से ये कैसा लगा आपको और ये जुगाड़ आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।